इस वीडियो में मैं आशा आप लोगों को बताऊंगा ई फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे एक्सेल में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबल है, तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन नाम लिख रखा है, संजय राम और श्याम, ठीक है। इनको टारगेट दे रखा है 5000 5000 4000, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी टारगेट पूरा करता है तो यहाँ पे रिजल्ट अचीव शो होना चाहिए, अगर जो टारगेट नहीं पूरा कर पाता है तो वहाँ पे शो होना चाहिए नॉट अचीव्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करना, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करना इफ़, फिर उसके बाद यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर इक्वल प्रेस करना, फिर टारगेट को सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे कोमा टाइप करना, यहाँ पे टाइप करना अचीव्ड कोमा, फिर नॉट अचीव टाइप करना, फिर उसके बाद क्लोज करके आप इंटर प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉट अचीव्ड करके यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे यहाँ के टारगेट दे रखा था 5000, तो यहाँ पे इन्होंने सेल कर रखा है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो गया नॉट अचीव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माउस ट्रे करके यहाँ से ड्रॉ कर देना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए राम, इनको टारगेट दे रखा था 5000, इन्होंने सेल कर रखा था 6000, तो यहाँ पे देखिए इनका अचीव हो गया, तो यहाँ पे अचीव यहाँ पे शो हो गया रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या है श्याम, इनको टारगेट दे रखा है 4000, इन्होंने सेल किया है कितना 2000, तो यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया नॉट अचीव फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ई फार्मूला का यूज़ एक्सेल में कर सकते हैं। ई फार्मूला का यूज़ कंडीशन ट्रू या फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता था। ई फार्मूला का यूज़ ट्रू या फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।